रामायण का सुपर मॉडर्न वर्जन है। ओम राउत की आदि पुरुष राम के किरदार में प्रभास बने सुपर हीरो। भारत सनातनी देश रहा है। इस देश में हजारों वर्षों की सनातनी परंपरा रही है। हजारों वर्षों से हमारे देश में देवी देवताओं की मान्यता रही है, जहां आज भी संस्कृति में भगवान और उनकी गाथाएं चर्चित है। इससे हर कोई कनेक्ट करता है। आज के युवा भी अपने मन को शांत और उसे भटकाव से बचाने के लिए भगवान के दर पर पहुंचते हैं। अयोध्या नगरी में दशरथ के घर पर चार पुत्र जन्म लेते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। यह चारों बालक बड़े होते हैं और शिक्षा दीक्षा लेते हैं। एक तरफ दशरथ अपने बड़े बेटे को राजपाट सौंपने की तैयारी में रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी दूसरी पत्नी कैकेयी अपने बेटे के मुंह में इतनी डूबी है कि राजपाट उसे दिलावना चाहती है। कैकेयी के ऊपर दशरथ के कुछ वचन रहते हैं और वह उनसे मांग लेती है। राम को वनवास मिलता है। इस वनवास यात्रा में उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी निकल पड़ते हैं। वनवास के दौरान राम कई राक्षसों को मारते हैं तो कई का उद्धार भी करते हैं। राम सौम्य का प्रतीक है तो लक्ष्मण क्रोध के। वन में ही सूरपनखा की नज़र राम पर पड़ती है और वह उन्हें पाना चाहती है। राम उसे कहते हैं कि मैं शादीशुदा हूं और हाथ जोड़ते हैं। सूरपनखा मानती नहीं है। इसी बीच लक्ष्मण उन पर तीर चलाते हैं और उसकी नाक काट देते हैं। वह भागी हुई अपने भाई लंकापित रावण के पास जाती है और उसे सीता के बारे में बताती है। रावण उसके हरण के लिए निकल जाता है और फिर राम रावण का युद्ध होता है। राम मर्यादा और सीता पर कहते हैं, सीता में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे प्राणों से भी प्रिय है। एक्टिंग राम के रोल में प्रभास के ने अपने अपनी दमदारी के पेश करने की कोशिश की है। कई सीन में वह बेहद अद्भुत है। राम को अपने भाई लक्ष्मण से बेहद प्रेम करते हैं। युद्ध के दौरान जब मेघनाथ लक्ष्मण को नाग फांस में फंसाता है, उस वक्त प्रभास की खामोशी बेहद खलती है। उनके एक्सप्रेशन बेहद खाली रहते हैं। प्रभास रामायण के सुपर मॉडर्न राम बने हैं। सनी सिंह लक्ष्मण के किरदार में बेहद खाली है। उनके चेहरे पर वह क्रोध और तेज नहीं नजर आता है। सीता के रोल में कृति सेनन का काम ठीक है। वह अपने हाव भाव में सीता को उतारा है। वहीं रावण के रोल में सैफ अली खान का काम अच्छा है। हालांकि वह भी कहीं कहीं थोड़ा साइको के किरदार में नजर आते हैं। फिल्म की कास्टिंग में हनुमान का रोल देवदत्त नागे ने निभाया है। वह इस फिल्म की एक परफेक्ट कास्टिंग में से एक है। उनका काम भी बेहद अच्छा है। राइटिंग और डायलॉग्स और डायरेक्शन फिल्म को ओम राउत ने लिखा और डायरेक्ट किया है। उन्होंने आदिपुरुष के रूप में एक सुपर मॉडर्न रामायण बनाई है। ओम ने राम को सुपर हीरो की तरह भी प्रेजेंट किया है। ओम को मेगा बजट की आदत है। आदिपुरुष में भी उन्होंने अपने डायरेक्शन से ज्यादा टेक्निक और VFX खेला है। इस फिल्म की डायलॉग्स मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं। उन्होंने राम और सीता के डायलॉग्स दमदार लिखे हैं, लेकिन फिल्म को मॉडर्न बनाने के चलते कुछ सीन के डायलॉग बहुत हल्के लिखे हैं। वह इतने हल्के हैं कि सुनकर हंसी आती है। मनोज ने आदिपुरुष के डायलॉग्स को बेहतर बनाने की कोशिश में कुछ जगह नॉर्मल फिल्मों जैसे कर दिया है। हनुमान जी के मुंह से जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा हम उसकी लंका लगा देंगे जैसे शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड को, फिल्म के म्यूजिक को अजय अतुल ने कंपोज किया है। उनके कंपोजिशन में बना जय श्री राम थिएटर में दर्शक भी गाने लगते हैं। इसके अलावा सोनू निगम से तू है शीतल धारा गवाया है जो गानों को सुकून देता है। वहीं अजय गोगावले की आवाज में शिवोहम एक अलग फील में ले जाता है। आदिपुरुष के राम सिया राम गाना सचेत और परंपरा ने कंपोज किया है और गाया है। यह गाना बेहद प्रभावशील है। सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग, कार्तिक पलानी की नज़र और कैमरे से शूट हुई आदिपुरुष अच्छी है। उन्होंने माइथोलॉजिक स्टोरी को समझते हुए ठीक काम किया है। 3D फिल्म और एक्शन को उन्होंने कैमरे की टेक्निक से बेहतरीन बनाने की कोशिश की है। एडिटिंग अपूर्व मोतीवाले सहाय ने की है। उन्होंने कसावट के साथ फिल्म को काटने की कोशिश की है। कंक्लूजन, 179 मिनट की आदिपुरुष फिल्म ठीक है। इसे आप बच्चों के साथ महज एंटरटेनमेंट के लिए देखने जा सकते हैं। फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीद करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको रामायण जैसा देखने को कुछ नहीं मिलेगा, वैसी उम्मीद भी ठीक नहीं है।